बरगदवा स्थित वीएन डायस एवं प्रोसेसिंग सेंटर में स्थापित सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने लगाए गए प्लांट के समक्ष विधि विधान से पूजा किया। उसके बाद नारियल तोड़कर तथा रिमोट का बटन दबाकर विधिवत सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर वीएन डायर्स के प्रोप्राइटर विष्णु अजीत सरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति सोलर एनर्जी का उपयोग करना शुरू कर दे तो यह ऊर्जा संरक्षण का बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपने देश में बेहतर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। अपने देश में वर्ष के 12 में से 10 महीने अच्छी धूप निकलती है, जिसका उपयोग ग्रीन और सोलर एनर्जी के रूप में किया जा सकता है। इससे घर और उद्योग दोनों जगह ऊर्जा का उपयोग करके डीजल और पेट्रोल की खपत को तो कम किया ही जा सकता है, बढ़ते हैं प्रदूषण पर रोक भी लगाई जा सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी डीजल पेट्रोल का बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे उत्पादित बिजली पर प्रति यूनिट 2.5 से 3.5 रुपए प्रति यूनिट खर्च होता है, तो बिजली पर यही खर्चा 7 रुपए से 7.5 रुपए हो जाता है। योगी ने इस दौरान कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने दिल्ली का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही सर्दी बढ़ेगी, यहां सांस की समस्या दम घोटू हो जाएंगी। इसलिए जरूरत है कि प्रकृति से मिली हुई चीजों का सदुपयोग किया जाए। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, महाराज जी का आगमन हो चुका है, वीएन डायस प्रोसेसेस प्राइवेट लिमिटेड अभिभूत है, सब अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। मुझे महाराज जी उसको तो सीधे पूज्य महाराज जी की इस 1230 किलो पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज मंचासी वी एंड एस श्री विष्णु प्रसाद जी अजीत सरिया मंचासी श्रीमती वीना अजीत सरिया श्रीमती श्रेया अजीत सरिया श्री सुनील बंसल जी और सीताराम जायसवाल जी, आप सभी का स्वागत है। मैं चाहता हूं पूज्य महाराज जी से कि आज इस घर जिस तरह से सूर्य की किरणों में सूर्य से ऊर्जा
बनाने के इस प्लांट को आपने इस वी एंड आईस को समर्पित किया है। प्रज्वलन का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी के कर कमलों से संपन्न होता हुआ श्री नारायण प्रसाद जी अजित सरिया श्री विनोद अजित सरिया जी जाते हैं श्री अजित सरिया से कि पूज्य महाराज जी नारायण नारायण श्री नारायण जी अजित सरिया के द्वारा अव्यवस्थ प्राप्त करते हुए और अब श्री विष्णु प्रसाद जी अजित सरिया श्रीमती एवं श्री विष्णु प्रसाद जी अजित सरिया द्वारा आगे आगे हट जाइए भैया 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 साइड हो जाइए साइड होइएगा भैया इस समय जिन्होंने प्रदान किया है श्रीमती और श्री विष्णु प्रसाद जी अजित सरिया उनके युवा पुत्र संचालक वीएनडीएस के श्री विनोद अजित सरिया जी द्वारा साक्षी को से महाराज जी का बुके आज हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने जो इस इकाई का 25 वर्ष पूरा किया है जिसमें निरंतर हमने कुछ न कुछ नए आयाम जोड़े हैं जैसे कि जब डाइंग हाउस के बाद मैंने मीटिंग स्टार्ट की टेक्सटाइलिंग स्टार्ट किया फिर उसमें प्रिंटिंग लगाई आज उसी कड़ी में ये हमारा सोलर प्लांट लगा है। ये सोलर प्लांट लगाने का मुख्य उद्देश्य केवल अपने लिए ही ये कार्य करने के लिए नहीं बल्कि इसको लगा कर एक समाज के सामने हमारे इंडस्ट्रीज के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करना था कि आज हमने ये प्लांट लगाया है। ये 3 जगहों पर लगा हुआ है, जमीन के ऊपर लगा हुआ है, ये छत के ऊपर लगा हुआ है और शेड के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ऐसा बहुत रेयर आपको एक स्थान पर देखने को मिलेगा, इसलिए जो भी लोग हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो आगे देखें और अपने यहाँ लगाने के बारे में सोचें। मैं माननीय महाराज जी का कृतज्ञ हूँ जिनकी इतनी व्यस्तता के बावजूद जिनको कि न केवल प्रदेश देखना है बल्कि पूरे देश में आपकी जरूरत है। आप रोज नित कहीं कहीं प्रदेश के बाहर भी उनको जाना पड़ता है। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी जितनी सहजता से आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर अनुमति प्रदान की है मैं इसके लिए अत्यंत आभारी। अपेक्षा है कि कोई हम डिमांड करें नहीं, मेरी कोई शिकायत है किसी से कि भाई इसने ये काम प्रयास करते रहें तो कहीं कोई काम में कठिनाई नहीं आती है। हाँ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो भी उद्यमी इस सोलर प्लांट को लगाएगा उसके लिए टेक्निकल नो हाउ से ले करके और जितनी भी जानकारी उसको चाहिए हम उपलब्ध कराने के लिए दिया है। आज इसके बेनिफिट्स देखिए, आज 1230 किलोवाट का जो मैंने लगाया है इसमें चूंकि ये सूर्य से प्रभावित होता है इसलिए एक जैसी एक बराबर बिजली नहीं मिलती है, लेकिन इसका एक आंकड़ा है कि सालाना किस महीने में कितनी बिजली मिलेगी तो एक अनुमान के अनुसार 70 से 18 लाख यूनिट बिजली सालाना हमको मिलेगी। यदि अगर इसी बिजली को हम अगर जनरेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं तो लगभग 5 लाख लीटर जो डीजल है हमको फूकना पड़ेगा। इसी प्रकार
अगर हम थर्मल पावर से भी लेते हैं तो उसी अनुपात में कोयले की खपत होगी, और इससे एक वर्ष में जो कार्बन उत्सर्जन होने वाला है उसकी मात्रा आप सुनकर हैरान होंगे, लगभग 14 लाख केजी जो है कार्बन उत्सर्जित हुआ। आप सोचिए, केवल आप अपना ही भला नहीं करेंगे, समाज में जो प्रदूषण की प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आप बहुत सहयोगी बन सकते हैं अगर इसको आप लगाते हैं। जहाँ तक आर्थिक पहलू है, आर्थिक पहलू भी बहुत आकर्षक है। अगर इसको लगाया तो एक बार लगाने के बाद इसमें कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, और मेरा अनुमान है कि इसकी कॉस्ट 3.50 रुपये यूनिट से ज़्यादा नहीं आएगी। कि ये हम लोगों ने जो कैलकुलेशन निकाला है, इससे जोड़ने घटाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यदि ईमानदारी से जोड़ा जाए तो 3.5 रुपये यूनिट से इसका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि आज हम रोज़ कहते हैं साहब बिजली के रेट ज़्यादा है, आप अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कीजिए, अपने यहाँ कंज्यूम कीजिए, इससे बढ़िया आप अपना भी लाभ करेंगे, समाज का भी लाभ करेंगे। मैं बहुत अधिक में कहते हुए आप सभी यहाँ पधारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ आपका, धन्यवाद। इस संदर्भ में सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव के सामने बड़ी स्क्रीन पर लगभग 3 मिनट की एक वीडियो क्लिप, महाराज जी के सामने एलईडी स्क्रीन पर लगभग 3 मिनट की वीडियो क्लिप, उसने इतिहास बनाया। गोरखपुर के बने कपड़े प्रदेश के बाहर गए, देश के कोने कोने में गए, तमाम अफ्रीकन और अनेक देशों में यह कपड़ा जा रहा है। हम जब अपने गोरखपुर में बैठे हैं महसूस करते हैं छोटा सा स्थान है, और जब अपने कार्यों को देखते हैं तो हमने बड़ा सा आयाम छोड़ दिया, बड़ा सा पहचान छोड़ दिया है। गर्व है कि इस अवसर पर हमारे बीच में ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिसने अपने व्यक्तित्व के आधार पर विश्व के मानचित्र पर गोरखपुर को चिन्हित कर दिया है। कपड़े के व्यवसाय में भी इंडस्ट्रीज का यही योगदान है। लगभग 35 लाख लीटर पानी की बचत, प्रदूषण में कमी, और इसके सापेक्ष जितनी बिजली हम सरकार से नहीं लेंगे उतनी बिजली सरकार के पास बचती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में जहां आवश्यकता है वितरित की जा सकती है। बड़ा सामाजिक सरोकार वी इंडाइस पूरा करता है। डॉक्टर विभाग चंद कौशिक जी, श्री रमेश सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रोसेसर लिमिटेड को हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ग्रीन एनर्जी की अवधारणा को आज गोरखपुर में भी साकार किया है। 1200 किलोवाट का यह सोलर प्लांट अपने आप में ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए कैसे कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। मैं इसके लिए यहाँ पर बीएनडीएस को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वो पर्चा तुम रख लो, वो गलती से हम तुम्हारा पर्चा दे दिए थे। मित्रों, सबसे बड़ी बात कि हाँ, दोनों रख लो। हम प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, आप देखेंगे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्वास की तकलीफ शुरू हो जाएगी, स्मॉग इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के दम घुटने लगेंगे, और वह एक स्थिति जो दम घोटू माहौल बनाया है, यह कृत्रिम वातावरण पैदा करके प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग करके हम लोगों ने जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया तो
उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। हमारे पास बेहतर प्राकृतिक संसाधन है, और अगर एनर्जी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो प्रकृति प्रदत्त वर्ष में 12 महीनों में से 10 महीने में अच्छी धूप डाउन हो रहा है ऑडियो प्रदेश के लगभग पूरे क्षेत्र में रहती है। स्पीकर ऐसा लगाया हुआ है स्पीकर के पास। अगर इन 10 महीनों का उपयोग इन्होंने लगाया था जो हम सोलर ऊर्जा के रूप में या फिर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो तमाम अन्य नए इनोवेशन हुए हैं इसके माध्यम से हम उस ऊर्जा का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी बड़ी मात्रा में हम दो कार्य कर सकते हैं। एक डीजल पेट्रोल से जब हम जनरेटर चलाते हैं तो उससे धुआं तो उड़ता ही है, कार्बन उत्सर्जन के कारण प्रकृति में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ता है इसको तो कम किया ही जा सकता है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत भारत कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष यह देश 8,00,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से खरीदता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में सोलर एनर्जी है, और यही नहीं हमारे पास वह क्षमता है कि हम ग्रीन एनर्जी का बेहतर उपयोग करके डीजल और पेट्रोल का विकल्प दे सकते हैं। उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्य बीएन टायर्स ने किया है कि आज यहां पर 1200 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन करके न केवल अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को इन्होंने यहां पर पूरा किया है, अब बेहतरीन तकनीक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आ चुकी है जहां पर व्यक्ति उसका उपयोग करके इसकी लागत पर यूनिट जब बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा तो केवल 2.5 रुपए पड़ेगा, 2.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए के बीच पर यूनिट पड़ेगा, और अगर ये बिजली खरीदेंगे तो वह 7-7.5 रुपए से कम में नहीं पड़ेगी, यानी इतनी बचत तो ये इसी से। दूसरा, इसमें एक बार इन्होंने पूंजी लगा ली ताकि इसमें मेंटेनेंस आदि में बहुत खर्चा नहीं, इसके माध्यम से लगातार इनकी बचत होती है, पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं और साथ साथ रूफ टॉप पर भी लगा करके यह उसके माध्यम से भी ऊर्जा उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग करके हम लोग ऊर्जा के इन स्रोतों का बेहतर उपयोग करके प्रदूषण की भारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट एनजीटी बार बार कहता है कि पराली न जलाया जाए, या कोई भी शहर का सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है उसको ऐसे ही जहां तहां न फेंका जाए, या सॉलिड वेस्ट पे आग न लगाया जाए। आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार गोरखपुर में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक इथेनॉल प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग गोरखपुर में जितना भी एक पराली है या फिर खेतों का वो वेस्ट जिस पर किसान अक्सर आग लगा करके खेत की उर्वरता को भी नष्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ वह एक बड़ी ऊर्जा के स्रोत को भी आग लगा करके प्रदूषण की भी भारी समस्या पैदा करता है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू किया है, और हमारी सरकार ने 50 एकड़ लैंड उन्हें धूलिया पार में उपलब्ध करवाई है, और बहुत शीघ्र हम इस कार्य को वहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत को पहचानना पड़ेगा, और ऊर्जा की बचत जैसे भी हो
उस रूप में हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। मसलन आप देखते होंगे कि अक्सर हम लोग अपना मकान बनाते हैं, आप थोड़ी भी अपने मकान में संशोधन कर लें तो बड़ी ऊर्जा की बचत आप कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2018 को लागू किया है। यह हमने सरकारी भवनों पे किया है, लेकिन निजी बनने वाले मकानों पर भी अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो 25 से लेकर 30 फीसदी तक ऊर्जा की बचत अपने मकान के बनावट के आधार पर ही, उसके आर्किटेक्चर के आधार पर ही आप कर सकते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए सौर ऊर्जा की भी एक नीति बनाई है, और साथ ही साथ हम लोगों ने यह सुविधा भी दी है कि अगर कोई उद्योगपति उद्योग में उसको लगता है कि सरकार की बिजली महंगी है और वह सीधे कहीं से खरीदना चाहता है, ओपन एक्सेस की सुविधा भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से उद्योगों को किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। और मुझे लगता है कि एक अवसर है जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस दिशा में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारी संभावनाएं हैं, और उन भारी संभावनाओं को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं खासतौर पर गोरखपुर के जो हमारे उद्यमी हैं उन सबसे मैं इस बारे में कहूंगा। यहाँ पर पिछली बार मेरे सामने गीला के उद्यमियों ने एक बात रखी थी, जिनके कुछ प्रकरण लंबित पड़े हुए थे, तो मैंने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास से स्वयं कहा है कि वे स्वयं गोरखपुर में जाएं और वहां आकर के वह स्वयं वहां के उद्योगपतियों के साथ बैठ करके और जो भी नियमित समस्याओं का समाधान होना चाहिए एक समय सीमा के अंदर उन सबका समाधान वे कर लें, जिससे लोगों को यहां पर निवेश करने के लिए एक अनुकूल वातावरण हम लोग दे सके। मैं गोरखपुर के सभी उद्योगपतियों से कहूंगा कि एक अवसर है उनके पास, जब वे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें, हर क्षेत्र में निवेश करें। सरकार की उसके लिए पहले से ही पॉलिसी है, उस पॉलिसी के दायरे में जो भी सुविधा सरकार आपको दे सकती है सरकार उसको देने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का गोरखपुर लिंक का निर्माण कार्य भी बहुत शीघ्र प्रारंभ हो, और उस लिंक एक्सप्रेसवे का गोरखपुर लिंक के दोनों ओर व्यापक पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ साथ औद्योगिक क्लस्टर उन क्षेत्रों में विकसित करने के सामने भी एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, जिससे गोरखपुर में औद्योगिक विकास के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। फर्टिलाइजर में कार्य निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है, गोरखपुर में एम्स निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में वर्तमान में गोरखपुर को लखनऊ फोर लेन से जोड़ दिया गया है, गोरखपुर को वाराणसी से, गोरखपुर को देवड़िया बलिया, गोरखपुर को कुशीनगर, गोरखपुर को महाराजगंज, गोरखपुर को सुनामी से जोड़ने के लिए फोर लेन की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गोरखपुर शहर के अंदर भी मोहतीपुर चौराहा से गोरखनाथ मंदिर होते हुए आगे जंगल तोड़िया था, एक फोर लेन का कार्य हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं और ये मार्ग भी फोर लेन होगा, जिससे महानगर के अंदर लोगों का आवागमन उतना ही सहज और सरल हो सके। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के विकास और उसके माध्यम से पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, और इसी प्रकार से चिलवा ताल का भी सुंदरीकरण की कार्रवाई हम लोगों ने स्वीकृत करके उस पर भी हम लोग आगे कार्य करने जा रहे हैं। मैं यहाँ के उद्योगपतियों से कहूंगा कि वे सभी यहाँ पर अधिकाधिक निवेश करें, और निवेश करने के साथ साथ यहाँ पर उस क्षेत्रों में सहभागी बन करके लोगों के सामने एक बेहतर भविष्य देने का भी प्रयास करें। जैसे बोल घर में बहुत सारे चौराहों का विकास करने के लिए तमाम उद्योगपतियों ने रुचि ली, आज उन चौराहों की तस्वीर बदली है, वहां पे बेहतरीन व्यवस्था हुई है। आपका शहर कैसे बने, आपका शहर कैसा रहे,
या हम जैसा देना चाहेंगे उस प्रकार की तस्वीर हमारे सामने आएगी। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के गोरखपुर के विकास की इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं, इस विश्वास के साथ मैं बीएन डायर्स को इस सोलर प्लांट को आज यहां पर पूरा करने और इसका उद्घाटन करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप धनतेरस भी है, धनतेरस की बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।